अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम आपको जो है वो आज नई एक्सरसाइज 8.4 करा दें। इसे एक सवाल हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में कराई भी था टू लीनियर इक्वेशन का, लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का ये एक्सरसाइज 8.4 है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? वही एक वेरिएबल की पावर वन सेकेंड वेरिएबल का स्क्वायर, है ना, एक वेरिएबल की पावर वन सेकेंड वेरिएबल का स्क्वायर। से ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, वाई की पावर वन एक्स स्क्वायर। तो ये इस किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ग्राफिकली तौर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके दो फॉर्म हैं, एक फॉर्म तो है फैक्टर फॉर्म, उसके हमने सवालात कराए 8.3 में। आज हम इसकी दूसरी फॉर्म पढ़ते हैं, डेट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स फॉर्म। वर्टेक्स फॉर्म क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ऑफ सी, इसको हम जो है परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लिख देंगे। इसमें जो वर्टेक्स है वो एच और के होंगे, एक्स माइनस एच का स्क्वायर जो एक्स के साथ आ रहा होगा वो एच, और जो खाली आज़ाद दिखा होगा के। इसका कोफिशेंट ए वो इंडिकेट करेगा शेप ऑफ ग्राफ। अगर ए पॉजिटिव है, आपने पढ़ा पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ए निगेटिव है पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम कंसीडर फ्यू पॉइंट सपोज करेंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन में करते थे, बाय सपोजिंग वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू सपोज करते रहेंगे, वाई की वैल्यू मिलती रहेगी। क्राइटेरिया क्या होगा, जो वर्टेक्स हमने निकाला है दो पॉइंट इधर ले लेंगे, वर्टेक्स से दो पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे, तो ये पाँच पॉइंट मिल जाएंगे, उसकी मदद से ग्राफ प्लॉट कर लिया जाएगा। अमूमन ये फॉर्म इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब इसके फैक्टराइज ना बन रहे हों, तो हम फिर परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाना हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सीखा था। तो बेटा देखें, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ भी होगा, स्केच द ग्राफ बाय वर्टेक्स फॉर्म, सही। और वट ना लिखा हो तो देखें, फैक्टर ना बने तो आप फिर अब ये वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये आपको गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है, देखो y की वैल्यू गिवन है, y बराबर है आपके पास, y की वैल्यू आपको ये y बराबर है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस ऑफ 5, ये y की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। अब इसको 5 के फैक्टर कराएं, ऐड करने पर 4 आ रहा हो, 5 के फैक्टर 5 वन ज़ा 5, ऐड करेंगे 6 आएगा, 4 नहीं आएगा, फैक्टर नहीं बन पा रहे। तो हम करें क्या, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देते हैं परफेक्ट स्क्वायर में। परफेक्ट स्क्वायर में दो वैल्यू तो हम ले लें, तीसरी वैल्यू से माजरत कर लें, तीसरी वैल्यू से माजरत कर लें। अब अपनी मर्ज़ी की एक वैल्यू निकालें, वो अपनी मर्ज़ी की वैल्यू रफ में निकाल दें, बीच वाली टर्म यानी 4 लिखा हुआ है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जवाब आया 2, उस 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, बताएं 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 प्लस ऑफ 4 लिख देंगे। लेकिन यहाँ तो 5 लिखा हुआ था, हमने 4 लिखा, अब बैलेंस करेंगे, 5 में से 4 इस्तेमाल कर चुके, एक बाकी है, तो बेटा ये y की वैल्यू आ जाएगी। ये जो अंडरलाइन है ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बात ये, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसका कोफिशेंट कुछ नहीं है तो कोफिशेंट 1 ले लें, एक्स के साथ माइनस साइन आनी चाहिए, माइनस का 2 लिख लें, इसका स्क्वायर प्लस ऑफ 1 लिख लिया जाएगा, ठीक है। अब इट इज़ ऑफ द फॉर्म, इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, वाई बराबर है ए टाइम्स एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के लिखा जाएगा, और डेट इम्प्लाइज़ ए की वैल्यू, एक्स माइनस एच का कोफिशेंट ए की वैल्यू 1 आ गई है, 1 पॉजिटिव आया है, कब इसका अपवर्ड बनेगा, अपवर्ड का मतलब इस तरह का ग्राफ हासिल हो जाएगा, अच्छा। एंड और कंपेयर करें, एक्स एक्स से कंपेयर हुआ, माइनस माइनस से कंपेयर हुआ, एच की वैल्यू आ गई किसके बराबर, माइनस 2 के बराबर आ गई, के की वैल्यू 1 आ गई, हम लिख सकते हैं सो
वर्टेक्स आपको मिल जाएगा एच कॉमा के। एच कॉमा के का मतलब एच की वैल्यू माइनस टू और ये वन आ गई, तो यहाँ माइनस टू और वन। तो हमने क्या बताया कि आपने सबसे पहले इसको कंपेयर इस फॉर्म में लिखना है, ए निकाल लिया, वर्टेक्स मिल गया, वर्टेक्स क्या है एच के। अब वर्टेक्स के इधर दो पॉइंट लेना है हमें, वर्टेक्स के उधर दो पॉइंट बनाकर ये वाला स्केच डेवलप करना है। तो इफ़ ये जो इक्वेशन हमारे पास है इक्वेशन नंबर वन है, यहाँ पे हम वैल्यूज़ को प्लग करेंगे। एक्स की एक वैल्यू माइनस टू आ गई, माइनस टू के उस तरफ ये एक्स की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस टू आ गई। माइनस टू के दो वैल्यू इस तरफ ले लें, माइनस टू की दो वैल्यू इस तरफ ले लें, एक्स सपोज करते हैं ना, तो एक्स की वैल्यू माइनस टू है, माइनस टू से दो वैल्यू इधर ले लें, माइनस टू से दो वैल्यू इधर ले लें, माइनस टू से आगे बढ़ेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर वन इम्प्लाइज वाई बराबर होगा, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन और प्लस फाइव। तो बेटा यहाँ पर y की वैल्यू आ गई माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस का फोर प्लस ऑफ फाइव, डैट इम्प्लाइज y बराबर होगा सिक्स, सिक्स में माइनस थ्री, माइनस थ्री प्लस फाइव, तो ये सिक्स में से फोर गया टू आ जाएगा। अब x की और वैल्यू ले लेते हैं, माइनस टू के इधर लेंगे माइनस वन और इधर लेंगे तो x की वैल्यू ज़ीरो। देयरफॉर इक्वेशन नंबर वन इम्प्लाइज y बराबर मिलेगा आपको, क्या लिखोगे, ज़ीरो का होल स्क्वायर फोर मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो प्लस फाइव, इट मींस y की वैल्यू फाइव के बराबर आ गई। फिर आप x की जगह और वैल्यू ले लें, अब माइनस टू हमारे पास था वर्टेक्स, दो वैल्यू इधर ले ली, अब दो वैल्यू इधर ले लेंगे, माइनस माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस थ्री चेक करके देखें, y बराबर होगा माइनस थ्री का होल स्क्वायर फोर मल्टीप्लाइड बाय माइनस थ्री प्लस का फाइव, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन ट्वेल्व और ये फाइव। तो बेटा हमारे पास y की वैल्यू मिल गई माइनस थ्री फाइव, टू के बराबर हासिल हो गई। अब x की और वैल्यू ले लें, माइनस टू वर्टेक्स पॉइंट है, दो वैल्यू इधर ले ली हमने माइनस वन और ज़ीरो, दो वैल्यू इधर लेंगे माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस फोर करके चेक कर लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर वन इम्प्लाइज वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ फोर मल्टीप्लाइड बाय माइनस फोर प्लस फाइव, माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस फाइव, तो वाई की वैल्यू मिल गई आपको फाइव के बराबर। तो हम टेबल बना लेते हैं एक, फिर इस टेबल को हम रखकर प्लॉट करेंगे, एक्स वाई का टेबल बनाएंगे। पहले हमने क्या किया, वर्टेक्स निकाला था, वर्टेक्स एक्स, एक्स की जगह माइनस टू, वाई की जगह वन, फिर दो वैल्यू इस तरफ ली थी माइनस वन, माइनस वन पे रिजल्ट आया आपके पास टू के बराबर। फिर हमने वैल्यू ली ज़ीरो, ज़ीरो का कॉरस्पॉन्डिंग जवाब आ गया फाइव के बराबर, है ना, ज़ीरो का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई फाइव के बराबर। फिर हमने जो है वो वैल्यू ली माइनस थ्री, माइनस थ्री पे वैल्यू जवाब आ गई है टू के बराबर। फिर वैल्यू ली हमने माइनस फोर, माइनस फोर पे फाइव, तो बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वर्टेक्स, वर्टेक्स एक निकाला हमने, दो वैल्यू इधर दो वैल्यू इधर। अब हम जो है इसकी उसका रिजल्ट हम मालूम करते हैं, माइनस वन पे टू, ज़ीरो पे फाइव, माइनस थ्री टू, माइनस फोर फाइव। अब इसको प्लॉट करते हैं, प्लॉट करने के लिए एक्स की वैल्यू जो है ज़ीरो से इधर उधर है, हम प्लॉट कर सकते हैं, वाई की वैल्यू भी मैक्सिमम फाइव तक है, हम प्लॉट कर सकते हैं। तो हमें ग्राफ में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करनी, ज़ीरो है तो माइनस वन माइनस टू उधर चला जाएगा, ठीक है, फाइव का मैक्सिमम वाई की वैल्यू फाइव है, फाइव ऊपर तक जाएंगे तो ज़्यादा डेटा जो है वो हमारी लिमिट के दरमियान है। ये डेटा हम ले आते हैं यहाँ पर, अच्छा
इस रेड पेन से ही काम कर लेते हैं आज हम। तो अब देखें, ये हमारे पास दो लाइनें हमने ड्रॉ कर दी, फाइव स्मॉल ब्लॉक, वन यूनिट फाइव स्मॉल ब्लॉक। तो बेटा ये ओरिजिन आ जाएगा, फाइव स्मॉल ब्लॉक वन। ये सारा काम पेंसिल से करना है आपको, है ना, ताकि मोबाइल में नज़र आए तो मैं ये काम कर रहा हूँ। फोर और ये फाइव, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। यहाँ वैल्यू आ जाएगी वन, टू, थ्री, फोर और ये वैल्यू फाइव। और नीचे भी आ जाएगा ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर और ये माइनस फाइव। ये हमारे पास कौन सी लाइन आ गई, एक्स एक्सिस आ गई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपको मिल गई। ये आपके पास लाइन हमने जो ड्रॉ की है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ की है। अब बेटा पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। अब हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे, पहला पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखा है, पहला पॉइंट है माइनस टू वन, है ना, माइनस टू और वन। ये माइनस टू कहाँ मिलेगा आपको, ये रहा माइनस वन माइनस टू और इस पर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू वन, वन का मतलब ऊपर जाएंगे, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा माइनस टू और वन। और ये वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये वर्टेक्स जब है, जब ये वर्टेक्स है तो यहाँ पर एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। एक लाइन जो वर्टेक्स से पास हो रही हो, वो वर्टिकल लाइन जो वर्टेक्स से पास हो रही हो, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, है ना। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन इसके ऊपर आनी चाहिए बहरहाल। अच्छा, अब अगला पॉइंट हमारे पास, अगर हम आपको बता सकें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, माइनस वन टू, ये वाला माइनस वन है और टू का मतलब ये ऊपर जाएगा वन टू, ये पॉइंट मिल जाएगा आपको माइनस वन टू। फिर बेटा क्या है, ज़ीरो कॉमा फाइव, ज़ीरो फाइव, एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो पे आपको जाना है फाइव तक, ये पॉइंट आपको मिलेगा ज़ीरो से फाइव तक, ठीक है। फिर वैल्यू आती है माइनस थ्री और टू, माइनस थ्री का मतलब आप क्या लेंगे, माइनस थ्री, ये माइनस, ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस थ्री पे रिज़ल्ट कितना आ रहा है, टू, माइनस थ्री पे रिज़ल्ट आ रहा है टू, वन और टू, ये पॉइंट मार्क कर देंगे, है ना। ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री और उस पर कॉरस्पॉन्डिंग रिज़ल्ट है टू, तो माइनस थ्री पे टू जाएंगे। फिर माइनस फोर पे फाइव, माइनस फोर ये रहा और इस पर फाइव जाना है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव का मतलब जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए, ये पॉइंट्स मिल गए। अब पैराबोला की शेप क्या होगी, पैराबोला की शेप बताई थी, पैराबोला इस तरह अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ये पॉइंट इसका वर्टेक्स कहलाएगा। तो पैराबोला की शेप यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से इस तरह से बन जाएगा। तो ये हम पॉइंट्स बना लेते हैं, एक कर्व बनाएंगे, वो कर्व यहाँ से उठता हुआ यहाँ जाएगा। एक दो मरतबा आप ट्राई करें और सेकंड दो तीन मरतबा ट्राई करने के बाद फिर आप जो है इसको रोटेट करा दें। अब जो है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, अब ये पॉइंट जो है वो इस तरह से कर्व मिलेगा मुझे। इसको, इस पॉइंट्स को उठाते हुए, इस पॉइंट्स को उठाते हुए जो है वो यहाँ यहाँ पे मिलेगा। तो ये कर्व बनाएंगे हम, तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड पैराबोला हासिल हो गया। ये सारा काम आपने जो है वो फेयर में करना है, पेंसिल से करना है, स्केल ज़रूर लिखना है, और अगर आपकी लिमिटेशन में हो तो आप ये वाला स्केल इस्तेमाल करते हुए काम करेंगे। आई होप ये क्लियर है। और अब हम जो है वो आपको इसका आखिरी सवाल समझाते हैं, इसका और सवाल समझाते हैं। ये एक्सरसाइज का सवाल है, ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसको जो है डिस्कस करते हैं। थैंक यू।